नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सपना रावत स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल लाइफस्टाइल एंड DIY हैक्स में। तो दोस्तों, हम सीओसी से निकल चुके थे 5:30 बजे और लगभग आधा एक घंटा यहां से हो चुका है हमें निकले हुए। तो आते समय हम आए थे कोटद्वार के रास्ते से और जाते वक्त जा रहे हैं रामनगर के रास्ते से। तो बस हम निकल चुके हैं, छोटा सा ये ब्लॉग होने वाला है। तो हम निकल रहे हैं नोएडा के लिए और ये जो पहाड़ी देख रहे हो आप, ये मतलब देवर डांड मतलब इसे बोला जाता है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं देवा मंदिर के साइड। यहाँ पे सभी लोग जो भी मतलब यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो सभी लोग ना यहाँ पे रुक कर एक बार टीका ज़रूर लगाते हैं और माता से मतलब प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो भी आगे का सफ़र हो मंगलमय हो। तो ये प्रॉपर देवा माता का मंदिर नहीं है, मतलब इनका मतलब नाम से कई स्थानों पर ये मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन इस रास्ते के बीच में ये मंदिर पड़ता है। तो बस जो भी यहाँ से आता जाता है तो जरूर यहाँ पर रुकता है और अपनी तरफ से भेंट चढ़ाता है, जो भी उनकी स्वेच्छा होती है। देवा माता के मंदिर की कई कहानियाँ जो है पौराणिक में हमने सुनी हुई है, तो उसका तो अभी बताने में टाइम नहीं है मेरे पास। कभी आगे ब्लॉग बनाऊंगी, जब खुद जाऊंगी तो उसके बारे में ज़रूर आप लोगों को सब बताऊंगी। तो ये हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। सर्वप्रथम देवा माता का यह स्थान 1950 में अस्तित्व में आया। इससे पहले यह मंदिर नहीं था। फिर 1967 में श्री नारायण दत्त पुजारी द्वारा यह मंदिर बनवाया गया। तो मतलब यहाँ अंदर कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पत्थर का पूजन किया जाता है। जैसे बस भी आती है तो वो ज़रूर रुकते हैं, उसके सारे जो भी सवारी बैठी होती है वहाँ सब थाल पहुँचाई जाती है और सभी लोग अपना टीका वगैरह लगाते हैं और जो भी उनकी श्रद्धा होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो पैसे रख देते हैं। मतलब एक तरीके से भेंट होती है, पैसे भी क्या बोले, ये भेंट है। तो बस आयुष को मैंने टीका लगाया तो आयुष सोता हुआ आ रहा था, 1.5 घंटा हो चुका था उसको, तो वो भी उठ गया। तो बस हम सब ने अपना टीका लगाया और अब हम माता से यही कामना कर सकते हैं कि आगे का जो भी हमारा सफ़र हो वो मंगलमय हो। तो थोड़ा सा ये अंदर का व्यू है इस तरीके से। तो बस चलते हैं आगे के सफ़र की ओर। तो बस दोस्तों, अब वही गर्मी, अपनी पहाड़ियों को छोड़ते हुए बहुत दुख होता है कि अब हम तो दोस्तों जाना तो पड़ेगा ही। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।